आर्थिभावनायाः लक्षणम्, आर्थिक भावना का लक्षण करने जा रहे हैं। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार हो आर्थिक भावना, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय के व्यापार का नाम आर्थिक भावना। स्वर्ग आदि प्रयोजन है, उस प्रयोजन के संबंधी जो इच्छा हुई, राग विशेष प्रकट हुआ आपके हृदय में, वो फलेच्छा उपायेच्छा के प्रति आपको मजबूर कर देता है। फलेच्छा उपायेच्छा प्रति कारणम भवती, न्याय में भी आया था, फलेच्छा साधनेच्छा के प्रति कारण होता है। कोई भी फल की इच्छा होती है तो स्वाभाविक है आप उसके साधनों के बारे में पता लगाएंगे और साधन को अपनाने का इच्छा होगा ही। वह इच्छा के कारण से आप विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में ढूंढेंगे। तब स्वर्ग की इच्छा हुई तो आप सोचे भाई स्वर्ग हमें कैसे मिल सकता है, तो शास्त्रों के आधार पर याग को पकड़ेंगे। तो यागे न स्वर्गम भावे, ये मंत्र सुना है ना, ये तो स्वर्ग काम का अर्थ क्या किया था, यागे न स्वर्गम भावे, यही अर्थ किए थे। अच्छा उसको मालूम हो गया साधन कौन है, याग, याग रूपी क्रिया स्वर्ग का साधन निश्चय हो गया। इसलिए प्रयोजन हुआ स्वर्ग, उसकी इच्छा से जनित ज्ञात हुआ क्रिया है याग, तद विषय जो व्यापार उसका नाम आर्थिक भावना। और कहां होगी व्यापार, हो पुरुष में ही होगा ना, याग कौन करेगा, पुरुषनिष्ठ हो व्यापार विशेष। और शाब्दी भावना शब्दनिष्ठ व्यापार विशेष था ना, और आर्थिक भावना अब पुरुषनिष्ठ व्यापार विशेष, ये अंतर है दोनों लोक में। हमने कल चित्र भी दिखाया था पुस्तक में, अभी दोबारा देख लो पूर्व पन्ने में, इसी के पूर्व पन्ने में 37 पृष्ठ में है ना, और क्या है नीचे लौकिकी वैदिकी, लौकिकी पर मैंने कहा था पुरुषनिष्ठा, वैदिकी शब्द निष्ठा। कल कहा था ना मैंने इस बात को, जो वैदिकी है वो शब्द निष्ठा होती है, जो लौकिकी है वो पुरुष निष्ठा। क्योंकि लोक में गुरु ने शिष्य को बोला या माता पिता ने बच्चे को कह रहे पानी लाओ, मैंने पुरुष निष्ठ हुआ ना व्यापार वहां शाब्दी भावना। तो हमेशा लोक में शाब्दी भावना पुरुष निष्ठ है, आर्थिक भावना वैदिकी वेद में शब्द निष्ठ है शाब्दी भावना। और आर्थिक भावना चाहे लोक में हो चाहे वेद का हो, सदा पुरुषनिष्ठ ही है। ध्यान लगे ना, शाब्दी भावना में अंतर है लोक और वेद का। लोक में पुरुषनिष्ठ हो गया, वेद में शब्दनिष्ठ हो गया। लेकिन आर्थिक भावना चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म, करेगा कौन, आदमी तो करेगा ना। इसलिए आर्थिक भावना चाहे वैदिकी हो चाहे लौकिकी हो, सदा पुरुषनिष्ठ ही हो, ये ध्यान। अच्छा, तो प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थिक भावना साच आख्यात त्वंशेन उच्यते, और किस संसे बोलित है आख्यात, पहले भी बता चुके हैं। यजेत का दो भाग क्या, धातु और तप्रत्यय, तप्रत्यय में लिंग और आख्यात, आख्यात के द्वारा आर्थिक भावना करना और लिंग के द्वारा शाब्दी भावना चाहिए, दिखाया था ना चित्र, उसके आते वही बात दो बार यहाँ के लिए याद दिला रहे हैं। साच आर्थिक भावना आख्यात त्वंशेन उच्यते, अर्थात क्या है, आख्यात अंश क्या हो गया वाचक, और वाच्य हो गया आर्थिक भावना। वाचक कौन हुआ, आख्यात अंश जो हमेशा वाचक हो गया उसका वाच्य है आर्थिक भावना। और वाच्य और वाचक का संबंध क्या बनेगा, कैसे बनेगा, यहां कहते तद ज्ञान हेतु, आर्थिक भाव का भावना का ज्ञान का कारण है कौन, आख्या। जब लकार सामान्य आपने देखा धातु से यजेत शब्द था, इसका दो भाग किए थे, एक तो कौन सा है यज धातु और दूसरा त प्रत्यय, और धातु का अर्थ कर दिया था याग। इस प्रत्यय में दो अंश बनाया था आपने, आख्यात अंश और लिंग, इसका भी चित्र बहुत पहले आपने देखा है, रेखा चित्र बना हुआ है ना। अब ये जो आख्यात अंश है
इससे हमने बोला आरती भावना का बोध होता है और इससे शांति का। शांति में हमने देखा था शक्ति विशिष्ट लिंग ज्ञान करण बना था ना, यह वाच्य वाचक भाव कैसे लिंग है वाचक, उससे वाच्य कौन हो गया शांति भावना, वाच्य वाचक का संबंध कैसे अपने जोड़ा था वहां शक्ति विशिष्ट लिंग ज्ञान तीन ही थी, स्वज्ञानम स्वशक्ति ज्ञानम अथवा शक्ति विशिष्ट लिंग ज्ञानम। शक्ति विशिष्ट लिंग ज्ञान ही कर्ण में गया है ना, व्याप्यत्व ज्ञाप्यत्व ज्ञापकत्व होता है। तो यहां पर कैसे होगा इन दोनों के बीच में भी आख्यात और आर्थिक के बीच में, ये वाचक है ये वाच्य है, वाच्य वाचक के जो संबंध किस प्रकार से, यहां पर भी ज्ञापकत्व नहीं, इसलिए इसको हम संबंध क्या बोलेंगे तज्ज्ञान हेतुत्व संबंध से, तज्ज्ञान हेतुत्व संबंध से, माने आर्थिक भावना का ज्ञान का हेतु है आख्यात, इसलिए आर्थिक भावना में अवार्थी भावना अपना वाचक वाच्य अपने वाचक में तज्ज्ञान हेतुत्व संबंध से रहेगा आख्यात में, तभी परस्पर एक दूसरे के ज्ञाप्य ज्ञापक भाव बनेगा। यहां तो शक्ति विशिष्ट लिंग ज्ञान को लो यहां, और यहां पर जो है ऐसा कोई विशिष्ट वस्तु तो है नहीं, क्योंकि आख्यात क्या है सामान्य, लकारों में विद्यमान सामान्य तत्व का नाम आख्यात, विशेष का नाम लिंग था, विशेष में तो स्वशक्ति ग्रह आप लोग कर सकते हैं, सामान्य का क्या शक्ति होगा, अतिरिक्त तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए इन्होंने क्या करा यहां पर करे तज्ज्ञान हेतुत्वम, तद ये द है, द को ज हो जाता है, तज्ज्ञान हेतुत्वम, तद माने आर्थी भावना, उसके ज्ञान का कारण है आख्यात, इसलिए आर्थी भावना रूपी वाच्य अपना वाचक पूता आख्यात में तज्ज्ञान हेतुत्व संबंध से जुड़ेगा। तो यहां पर इसलिए क्या हुआ ज्ञान ही कारण बन रहा है, इधर भी ज्ञापकत्व नहीं ग्रहण करना, आर्थिक भावना आख्यात के द्वारा ज्ञापक रूप में नहीं बोध कराता है। विशेष हो गया लिंग, हाँ सामान्य अंश के द्वारा क्रिया सामान्य का बोध होगा, विशेष के द्वारा क्रिया विशेष का बोध होगा, क्रियावाचकम आख्यातम, कल एक श्लोक सुनाया था ना मैंने, सत्वाभिधायकम नाम क्रियावाचकम आख्यातम, यह हरिकारी का सिद्धांत कौमुदी की ओर जो लिखी हुई है ना अपने कारकाकार व्याकरण का, सत्वाभिधायकम नाम क्रियावाचकम आख्यातम उपसर्गो विशेषकृत निपात पाद पूर्ण, व्याकरण में भी माना गया आख्यात क्रिया सामान्य का बोध है, और उस माने ल लका पहले के ला था ना, लह कर नीचे भावे चक्रम के सक्रमक धातु हो चाहे अक्रमक धातु, पहले क्या क्या लकार आएगा लह परस्मयी पदम, सूत्र में क्या कहता है लह माने लकार आया, उस लकार के जगह सारे के परस्मय संज्ञा है, बाद में तंगना वातावरण वातावरण संज्ञा करेगा उसमें से निकाल करके कुछ को अलग करेगा, फिर लकार में कौन से लकार लाऊंगा तो वर्तमाने लट, पहले तो लकार सामान्य आता है फिर वर्तमान काल का विशेष बोध करने के लिए आप लट लकार लाएंगे या परोक्ष के लिए लट लाएंगे, अलग अलग लकार आएंगे, इसलिए हमेशा ल जो होता है वो क्रिया सामान्य का वाचक, और जो विशेष आया लिंगादि वो विशेष अर्थवाचक हो जाएगा, इसलिए हमेशा आख्यात का अर्थ क्या रहेगा करना, यहां विशेष अर्थ जोड़ूंगा, यह लिंग होने से हमने चाहिए बोला, यदि लिट होता तो चाहिए नहीं बोलता, चाहिए नहीं अर्थ आ सकता, धातु का परोक्ष काल को बताऊंगा यहां लिट होगा तो, लट होगा तो धातु अर्थ का वर्तमान काल को बोलूंगा, लकार के ऊपर निर्भर है, यह लिंग था इसलिए हमने चाहिए बोल दिया, लट में भी चाहिए नहीं बोलना कहीं, यह लिंग लकार है विधि में, विधि माने प्रेरणा, तो वेद कहता है आपको स्वर्ग चाहिए तो आप क्या करें याग आपको करना चाहिए, वेद कह रहा है, इसलिए लिंग का अर्थ हमने यहां चाहिए लिया था, लिंग मात्र के अर्थ कर रहे हैं लटा देगा नहीं, कि वेद कह रहा है जिस व्यक्ति को स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग कामना मतलब क्या, व्यक्ति विशेष लिया था ना मैंने स्वर्गम कामे तैसा विधि
सर्वकामा पुरुष विशेष, जिस व्यक्ति को स्वर्ग की कामना है वह व्यक्ति याग करना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कहते याग करना चाहिए, ये निकला। इसीलिए आर्थिक भावना हमेशा आख्यात सामान्य लकार से होगा कि लिंग पहले बोध कराएगा, विशेषार्थ बोध जब हुआ करना चाहिए तो क्या करना चाहिए विचार आएगा ना, तब इसको जोड़ गए याग करना चाहिए, तब आर्थिक भावना आती है। आर्थिक भावना में हमेशा इसलिए हम क्या जोड़ते हैं, शाब्दी भावना में नहीं जुटा, नहीं शाब्दी भावना में इससे कोई लेन देन धातु अर्थ को कहीं भी हमने जोड़ा नहीं शाब्दी भावना। देखा ना कल आपने शाब्दी भावना का साध्य क्या था, आर्थिक भावना ही साध्य है। साधन क्या था, लिंग ज्ञान, अर्थिकर्त प्रशंसा या निंदा जो भी है, ये है ना। तो वहां पर हमने इसको छुआ ही नहीं, और इससे पहले जो था स्वर्ग काम उसको भी छुआ नहीं है, वह सब आर्थिक भावना में आना, ठीक है ना। वही बोल रहे आगे, आख्यात सामान्य व्यापार वाचित्वात्, जो आख्यात सामान्य है वो हमेशा क्या है, व्यापार सामान्य का वाचक। आर्थिक भावना या अंशत्रयम्, आर्थिक भावना का अंशत्रय है, कौन सा, सापी अंशत्रयम् अपेक्षते, वह आर्थिक भावना भी तीन अंशों की अपेक्षा करते हैं। कौन से, जैसे शाब्दी भावना में था वैसे ही साध्यम साधनम इति कर्तव्यतां च, साध्य क्या है, किम भावित, उसी का अभिनय, साध्यम कोई अभिनय कर दिखा रहे हैं। जब साध्य के बारे में भावना क्या हो सकती है, किम भावे ये प्रश्न डालने पर जो जवाब मिलेगा वो आर्थिक भावना का साध्य। केन भावे ते प्रश्न डालो, इस प्रश्न का जो जवाब मिलेगा वो आर्थिक भावना का साधन हो जाएगा। कथम भावे ते इस प्रश्न का जो जवाब मिलेगा वो आर्थिक भावना का इति कर्तव्यता हो जाएगा। उपस्थित जो वाक्य है उसी वाक्य पर आप प्रश्नों को डालेंगे और उस वाक्य के द्वारा आपके सामने जवाब निकलेगा वाक्य से। जैसे आपके पास वाक्य था यजेत स्वर्ग काम, दर्श पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य है। आगे टीका में स्वर्ग दर्श पूर्णमास में ले जा रहे हैं इसलिए उसको भी जोड़ के बोल रहा हूं, दर्श पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य था। अब उसमें शाब्दी भावना का चिंतन कर लिया हमने, मुख्य रूपेण प्रत्यय पर जोर देकर विचार कर लिया। अब उसके विचार में हमें अन्य की जरूरत नहीं पड़ी अभी उस वाक्य का, उस वाक्य में जो बाकी शब्द हैं उनको अन्वय करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब जाकर की जरूरत पड़ेगा जब आर्थिक भावना के प्रश्न के जवाब निकालोगे किम भावेत, तब कहूंगा स्वर्ग काम शब्द में जो स्वर्ग है स्वर्गम भावेत, केन भावेत धातु पर तुलूंगा यागेन भावेत, कथम भावेत, तब उस याग की जो अन्य जो क्रियाएं छोटी छोटी क्रिया होती दुनिया भर के वो सारी क्रियाओं को मिति कर्तव्यता में अन्य कर। नाम तो याग का विशेषण केन भावेत में ही आ गया, केन में याग है ना, केन याग है ना, फिर दोबारा प्रश्न होगा ना उसमें केन याग है ना, तब कहूंगा दशपूर्णमास नामक याग है ना, अग्निहोत्र संजक याग है ना, वाजपेयी संजक याग है ना, वो उसी का विशेषण बन जाए तृतीय का नामधेय जितने भी है। देखिए साप अंशत्रम अपेक्षत है साध्यम साधन कृतांच किम भावेत केन भावेत कथम भावेत इति, तत्र साध्याकांक्षायां स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वेति, जब साध्य की आकांक्षा होगी स्वर्गादि फल को, जो भी फल होगा उस कर्म का उस फल को ही सदा साध्यत्व अन्वय कर देना। साधनाकांक्षायां यागाधिकरणत्व अन्वय, जो साधन की आकांक्षा होगी जो धात्वर्थ है ना वो धात्वर्थ को ही अन्वय करना। प्रश्न उठे धात्वर्थ क्यों, तब कहेंगे संहितत्व, सन्निधि में उपलब्ध कौन है, तब प्रत्येक सन्निधि में था आख्यात है ना, इसलिए इसको हमने उसका साध्य रूपेण अन्वय कर दिया था सन्निहित।
सनित्य समानाभिधान श्रुति, एक ही तो प्रतिशत दोनों बोध हुआ। अब हम क्या कहेंगे, एक पद श्रुति, एक ही पद में है ना, यह जधातु भी धात कर दो। कल हमने लिखाया था श्रुतियों के बारे में, याद है, विनियोक्ति श्रुति तीन प्रकार की बताई थी, नहीं, विभक्ति श्रुति, एकाभिधान श्रुति और एक पद श्रुति लिखा है, नहीं कल है वो। एकाभिधान का दूसरा नाम क्या है, समानाभिधान। एकाभिधान का दूसरा नाम बताया था समानाभिधान, और अंत में था एक पद श्रुति। वो एक पद श्रुति प्रमाण से ये पहले उपस्थित हो जाएगा। ये हमारा, आप कह सकते हैं वीर महाराज आप साध्य भावना में इसको क्यों नहीं जोड़ा, साध्य की आकांक्षा जब हुई तब आपने ये सन्निहितत्व इसको क्यों नहीं जोड़ा, तब कहेंगे ये आगस्त न पुरुषार्थ, क्यों वो तो यही नष्ट होने वाला है। हमारा पुरुषार्थ क्या है, स्वर्ग है, याग नहीं, याग तो साधन है, प्रयोजन है, प्रयोजन नहीं है, साधन है, प्रयोजन नहीं है। इसे पुरुषार्थ का लक्षण समझना पड़ेगा। यहां पुरुषार्थ किसको कहेंगे कि साध्य सदा पुरुषार्थी होता है, साधन में कभी पुरुषार्थ को नहीं जोड़ सकते आप। यम ज्ञातम सत स्ववृत्तितया इष्यते स पुरुषार्थ, यम पुरुषार्थ का लक्षण लिख लीजिए, यम ज्ञातम सत स्ववृत्तितया इष्यते स पुरुषार्थ, ये मीमांसकों का लक्षण है और यही सर्वत्र लगभग सभी दर्शनकारों ने थोड़ा बहुत अंतर करके इसी को स्वीकार किया। वो समाज शब्दों का हो गया ना, लक्षण थोड़ी है, पुरुषेण अर्थ है पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा जो वांछनीय पदार्थ वो पुरुषार्थ, तो समास हो गया ना, तृतीय तत्व समास हुआ है, ठीक है, लक्षण है। यम ज्ञातम सत, जैसे यम से आप ले लीजिए वर्तमान दृष्टांत में क्या है, स्वर्गम ज्ञातम सन, हम लोगों को बचपन से दिमाग में घुसा दिया है कि स्वर्ग नाम का कोई चीज कहीं होता है, वही तुम्हारे दादा परदादा सब गए हुए, बड़ा आनंद से रहते हैं, वहां कोई दुख नहीं होता, दिमाग में डाल देना स्वर्ग, हेवन, अंग्रेजी में हेवन बोलते हैं, ये अपने स्वर्ग बोलते हैं, हर व्यक्ति माना है इसको, मुसलमान भी मानते हैं, सब मानते हैं। यम ज्ञातम स्वर्गाधिकम, यम स्वर्गाधिकम लौकिक अदृष्ट फल हो गया, लौकिक फल भी इंद्रिय काम ब्रह्मवर्चस्व काम शब्द है ना, ऐसे भी याग है जो इंद्रियों की पुष्टि के लिए, ब्रह्मवर्चस्व ब्रह्मचर्य का पुष्टि के लिए है ना, ऊर्ध्वरेतृत्व होने के लिए याग, तो वो लौकिक है, मैंने आपका दृष्ट फल है, कोई भी हो, यम ज्ञातम जिसको जानने के पश्चात सत स्ववृत्तिते शते, वो मेरा हो, वो मुझे मिले स्ववृत्तितया, अब यह है ये दूसरे की है, देखने की इच्छा, देखा तो लगा बहुत अच्छा है ये, तो भाई बढ़िया चीज है, पहले मन में ही होगा, शोभन बुद्धि जगती है, सबसे पहले कोई वस्तु को देखता है तो उसके अंदर दो में एक होगा, या तो ये बहुत बढ़िया है या तो बेकार है, दो में एक होगा, जहां बढ़िया है आ गया दिमाग में, तो दिमाग उसे घूमना शुरू हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री घूमेगा, अब कैसे मेरा हो जाएगा ऐसा सोचने लगेगा, जो बढ़िया है ना तो मेरा होना चाहिए फिर, और मेरा कैसे हो, उसके लिए देखेगा जेब टटोलेगा, जेब में नहीं तो चोरी करेगा, तो किसी न के न प्रकार है ना उसको स्ववृत्तितया ग्रहण करना चाहते, उसका नाम पूछा, चाहे दृष्ट हो चाहे यम ज्ञातम सन स्वर्गाधिकम ज्ञातम सन, स्वर्गादि के बारे में जानने के पश्चात स्ववृत्तितया मेरा होवे, ऐसे जी इच्छा हुई है आपके अंदर, उसी का नाम पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ का साधन क्या है, तो बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष का विभाजन कर दिया, उनके साधनों का वर्णन कर दिया, फिर उसी पुरुषार्थ को चार भाग में बांट दिया, धर्म संबंधी पुरुषार्थ हो सकता है, इच्छा हो सकती है, या अर्थ संबंधी इच्छा, लौकिक कामनाओं की संबंधी इच्छा, या मोक्ष संबंधी इच्छा, है तो सारी इच्छाएं,
धर्म की इच्छा, अर्थ की इच्छा, काम की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, चतुर्विध पुरुषार्थ कर, चारों में लक्षण जाता है। अब ये तो कर अर्थात धर्म जिज्ञासा, धर्मम ज्ञातम सन, धर्म को जैसे आपने जानेंगे आप सोचे मैं भी धर्मवान हो जाऊं, धर्मी हो जाऊं, धार्मिक हो, इच्छा जगेगी। अब धर्म के साधनों को आप अपनाओगे, संयम मैंने कोई भी लौकिक को अलौकिक को, दृष्ट हो या अदृष्ट हो, कोई भी पदार्थ यम सबसे लेनी है, उसको जानने के पश्चात जो आपके हृदय में मन में तय हो जाता है यह मेरा होवे या मुझे यह प्राप्त हो, ऐसी जो इच्छा होती है उसी का नाम पुरुषार्थ। और याग ऐसी चीज नहीं है, याग तो साधन है, पुरुषार्थ कोटि में भी डाल सकते। अतीब जब भले एक पद गम्य था, आरती भावना की जब साध्यम सोचे तो हमने याग को जोड़ा नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ का लक्षण याग में नहीं जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, भिन्न पद में विद्यमान स्वर्ग को जोड़ना पड़ा। भिन्न पद है ना वो स्वर्ग काम यजेत, दो अलग पद थे, यजेत पद में विद्यमान धातु को छोड़ करके भिन्न पद में रहने वाला स्वर्ग को मैंने पकड़ा, क्यों, वो पुरुषार्थ वो साध्य। और जब साधन की चर्चा हुई अब हम भिन्न पद में नहीं जाएंगे, जब समान पद में ही मेरे को मिल रहा है जो साधन के योग्य धातुर्थ, उसी को हम इसलिए अन्वय कर देते हैं। और इति कर्ता में क्या होगा, अब धातुर्थ याग का संपादन किस प्रकार हो, इति कर्ता में किस प्रकार है ना, इति कर्ता क्या कहते, कर्तव्यताया इति मने प्रकार, कर्तव्य क्या निश्चय हो गया, अभी साधन हमारा याग साधन निश्चय हो गया, जब साधन हमारा कर्तव्य क्या याग, अब याग रूपा कर्तव्य का इति मने प्रकार क्या क्या करना, जैसे कल समझा था ना वो पंडित आया तो पैर धोएगा, क्रम करेगा ना वो सारा काम, वो सारे का नाम क्या है, इति कर्तव्य, वो आरती भावना का इति कर्तव्य था, वही समझा रहे इति कर्ता आकांक्षाया, जब इति कर्तव्य की आकांक्षा की होगी तो क्या होगा, प्रयाजादि अंग जातम, जो प्रयाजादि अंग समूह है, प्रयाज से नाम ले लिया क्योंकि दर्शपुरण से आपसे मतलब है, यहां तो दर्शपुरणवास याग में प्रयाज अंग है, पंच प्रयाज, तीन अनुयाज, आठ, कुल 30 आहुतियां होते हैं दर्श पूर्णमास याग में। हाँ एक याद आ गया, भी आप लोगों को एक चीज दूंगा, इसका फोटोस्टैट कर लीजिए, कम से कम 10 कॉपी तो चाहिए है, इसमें पूरा मैंने वर्णन सोम याग का और दर्श पूर्णमास याग का संक्षेप परिचय दिया हूं, ताकि आपको यहां भी समझ में आएगा और ब्रह्मसूत्र में जब सोमयाग को लेकर के विचार होगा, अवदान कर्म के विचार वहां करेंगे, अवदान के समान दृष्टांत बना देंगे, वो अवदान क्या है, सब कैसा कैसा होता है, कितने दिन में होता है, और चातुर्मासेष्ठ तीन चीज की वेदांत में बहुत जरूरी होता है, चातुर्मासेष्ठ को जानना जरूरी है आपको, सोमयाग, दर्श पूर्णमास, ये तीनों का चर्चा वेदांत में ब्रह्मसूत्र में भी आएगा, बृहदारण्यक में भी आएगा, इन जगह में आता है, इसे उसका एक सामान्य आपको सोमयाग का स्वरूप, उसमें क्या विशेष है वो दिया, फिर हवन कर्म की प्रक्रिया कैसे होती है, हवन की प्रक्रिया क्या है, हाउ मेनी स्टेप्स, कितने उसमें स्तर है, कैसे किया जाता है वो प्रक्रिया, पहले कौन क्या बोलेगा, फिर कौन उसके लिए मंत्र बोलेगा, कौन देवता को उपस्थान करेगा, कैसे क्रम होता है हवन की, वो क्रम बताया है, फिर इनमें प्रयोग होने वाले दो मुख्य मंत्र होते हैं, याज्ञ पूर्ण वाक्य, याज्ञ क्या है, पूर्ण वाक्य क्या है, उनका भी वर्णन, सारे चीजों का सामान्य रूपेण मंत्रों के विविध प्रकार, अनुकरण मंत्र क्या है, प्रकरण मंत्र क्या है, ये सारी चीजों का विचार आपको दिया हुआ है, ये दो पन्ने को फोटो स्टार्ट करके रख लीजिए, जब जब आएगा फिर आपको लाभ हो जाए। तो इति कर्ता में क्या प्रयाज, जो दर्श पूर्ण मास से बात उठी थी, 30 आहुतियां हैं, वो 30 में से प्रयाज आदि उन्हीं को कहते हैं अंग, शेषी है और प्रयाज आदि अंग है। अब आएगा टीका में आपको पूरा दिखाऊंगा, दर्श पूर्ण मास में केवल प्रयाज में हम सीधे बोल रहे हैं ना, सीधे तो इन्होंने कह दिया प्रयाज करके, इन वास्तव में सीधा प्रयाज अंग नहीं है दर्श पूर्ण मास का, क्यों, दर्श होता है अमावस्या को बोलते हैं, दर्श नाम किसका है, अमावस्या, और पूर्णिमास, पूर्णिमा तो पूर्णिमा ही है, दर्श पूर्णिमाध्याम, पूर्णिमा को पूर्ण शब्द से कहा, इसलिए पूर्ण है दर्श पूर्ण, पूर्णिमा को
इस दिन में तीन मुख्य याग होंगे, यहां भी तीन याग होंगे, इनको हम कहते हैं प्रधान याग। ये 15 दिन के अंतराल में हो रहा है, ये मिलकर के एक याग हो गया, उसका नाम दशब्रह्मास। इसलिए ये जो मंत्र है तो दशब्रह्मास अभ्यंग सुर कामो ये जेता, उस मंत्र से बोधित अपूर्व का नाम शराब। और ये एक समुदाय, दर्शक समुदाय, पूर्ण समुदाय, इन समुदाय से जन अपूर्व का नाम समुदाय अपूर्व। और ये तीन प्रधान याग है, इन प्रत्येक यागों का पूर्व का नाम प्रधान अपूर्व, ठीक। और इसके जो अंग होते हैं वो है प्रयाग आदि, इनसे जन्य अपूर्व का नाम अंगापूर्व। अनेक अंग मिल करके एक एक प्रधान अपूर्व को पैदा करेंगे, अब तीनों प्रधान अपूर्व मिल करके एक समुदाय अपूर्व को पैदा करेगा, दोनों समुदाय अपूर्व मिल करके फलापूर्व को पैदा करेगा, ये प्रक्रिया है। और प्रयास तो बहुत नीचे दर्शवण मास है, लेकिन इन्होंने पुस्तक में सुविधा के लिए आपको क्या समझा दिया, इनका नाम ले लेते फिर ये कैसा विचार होता, तो प्रयाग आदि नाम कह दिया। इति कर यहाँ अमावस्या में ऐंद्रम दधि मंत्र है प्रधानापुर के लिए, ऐंद्रम दधि ऐंद्रम पयः, दो ऐंद्रयाग है। और यद आग्नेयो अष्टागपालो निरुपे अमावस्या पूर्णमास्यायांच, ये याग दोनों तरफ है, यद आग्नेयो यहाँ भी यद आग्नेयो आ जाएगा। इसे टीका में है, आपको जो संकेत दे रहा हूं इसे थोड़ा थोड़ा कटवा टीका में जब जाऊंगा विस्तार से आ जाएगा। और यहाँ दूसरा अग्निशोमी याग है, अग्निशोमी याग और विष्णु रूपांशु याग है, उपांशु याग, तीन इधर तीन उधर संप्रदाय होते हैं, अंग तो बहुत है प्रयाज आदि, इसलिए बोल दे रहा हूं एक एक। इसमें इसमें तीस है, ये आग्नेय का अंग है प्रयाज, इसके अंग है ये, सर मैंने अंत में लिखा, वास्तव में यह होता है पहले लिखा हूं मैंने उल्टा क्रम, ये पहले होता है नंबर एक में, उसके बाद ऐंद्रम दधि, उसके बाद ऐंद्रम पया, यहां ये पहले ये होता है, फिर दूसरा ये तीसरा, यानी हमने प्रयाग आदि में बोल दिया ना, इसने उल्टा क्रम से लिख दिया ताकि इसका इसका दिखा सको, तो प्रयाग आदि उसके अंग नहीं हो सकता, दधि और पय का अंग नहीं है प्रयाग, इसके तीस अंग आग्नेय का। तो प्रयाग आदि अंग अंगजातम, अंगजातम माने अंग समूहम, यहां जातम शब्द समूह, अंग समूह जो है ना वो इतिकर्तात्वेन अन्वेति, उसको इतिकर्ता रूपेण अन्वय कर दिया जाता है। अब टीका में थोड़ा थोड़ा जहां जरूरत है, 39वां प्रश्न में शुरू का ही पंक्ति देख लीजिए, पहली प्रकटक संस्कृत का, पन्ने के अनुसार दूसरा प्रकटक में प्रयोजन से स्वर्गादि रूप फल से या इच्छा राग विशेष, पहले कहा था ना शाब्दी भावना में क्या करता है, शाब्दी भावना आपके अंदर एक राग विशेष को पैदा करता है, ये तो कहा था शाब्दी भावना के विचार में कहा था कि शाब्दी भावना करता क्या, जब आप सुनते हैं ये जे ता प्रत्येक की इतनी महिमा है वो आपको करना चाहिए करके राग विशेष को पैदा कर देगा, जब चाहिए करके राग विशेष पैदा हो गया तो फलेच्छा साधन उपसंग्रामती, नियम फलेच्छा इति न्यायात, फलेच्छा जो है साधन की इच्छा की ओर ले जाता है, तेन च राग विशेषण जनितो, उस राग विशेष से जनित यो यागादि क्रिया विषय पुरुषस्य व्यापार विशेष, जो यागादि क्रिया का विषय पुरुष का जो व्यापार विशेष है, याग मुझे करना है फिर सारा सामग्री इकट्ठा करूंगा पुरुष शुरू करेगा ना, उस याग में विहित सारा नियम पालन करना पड़ेगा, अब पूर्णमास दिन आपको याग करना है तो एक दिन पहले से काम धंधा शुरू हो जाएगा उसके लिए तैयारी, अमावस्या के दिन भी ऐंद्रम दधि दही दही कहां से आ जाएगा उस दिन सवेरे सवेरे, अमावस्या के दिन चतुर्दशी का दिन शाम को दूध का दोहन करोगे उसमें जामुन डालोगे तब तो दही बनेगा अमावस्या के दिन सवेरे, यहाँ दूध का खरीद के लाना नहीं दही दुकान से उसी समय उससे हवन नहीं कर सकते,
यहाँ तो व्यक्ति का घर में गाय होना जरूरी है, खुद के घर में गाय हो गए यजमान का, यजमान की पत्नी ही दोहन करेगी, कोई दूसरा नौकर नहीं कर सकता, नौकर का क्या वो मान्य नहीं है, यजमान पत्नी ही दोहन करेगी, जो दोहन करेगा उसे मदद कौन करेगा, वो यजमान ही करेगा, वत्सापा करण यजमान ही नहीं, वह पहले वो माता जाएगी, पत्नी जाके यजमान पत्नी छोड़ देती है बछड़े को, तभी तो दूध देगी ना गाय, बछड़े बछड़े को हटाएगा कौन, वो नहीं हटाएगी, वत्सापा करणम यजमान ही ना, यजमान जो होता है वो जा करके वो भी दर्पी बनाएंगे स्पेशल उसके लिए, उससे उसको यूं करके नाक के पास यूं करेगा, यूं कर भागेगा ना वो बछड़ा, तो उसको पकड़ करके दूसरे से बांध दे उसके सामने गाय के सामने, तब यजमान पति दूध का दोहन करेगी, दोहनी पात्र अलग है ना, दोहनी पात्र अलग होगी, क्यों आगे गो दोहनी ना जलम आनेत कहा है, जिससे गौ का दूध दोहा गया उसी पात्र में बाद में दूसरे दिन सवेरे यज्ञ में जो जल जरूरत पड़ता है आचमन आदि के लिए उन जल को लाना उसी पात्र से, इसलिए पात्र को मिक्स नहीं कर सकते इधर उधर, वो अलग रखना पड़ता है यज्ञ संबंधी पात्र वो सब, फिर उसमें उसी दूध को में से कुछ कच्चा दूध अलग रखनी पड़ेगी, उसको कहते हैं क्या निर्वाप करना, कहेंगे ऐंद्राय इदम न मम, ऐंद्राय इदम ऐसे करके दूध को थोड़ा सा लिया अलग कर दिया उसको निर्वाप करते, फिर बाकी दूध है मनो भी ज्यादा है जितने दही चाहिए उतना से अधिक है, पुनः दही के लिए जितना अलग कर दो ऐंद्राय इदम, फिर उसमें जामन डाल दो, फिर बाकी अपना खाओ पियो मौज करो, इन्हें निर्वाप करना पड़ेगा पूर्व दिन ये सब काम होगा ना, इसलिए अंग जो होते हैं वो केवल स्वाहा करना ही अंग नहीं है, ये सारा चीज अंग है उसमें, दूध भी रखना पड़ेगा वही दूध जाएगा अगले दिन रहेगा, अगले क्यों नहीं रहेगा, अग्नि सुबह दूध दोहन करेंगे और शाम के लिए अग्निहोत्र में काम आएगा, इसे कौन चीज कब कैसे उपयोग करना नियम है, नहीं कि ताजा सवेरे तो हो ही जाता है दूध, तो सवेरे ताजा दूध से करो नहीं चलेगा, जिस दूध से आपने दही बनाया उसी का समवाय कारण तो उपान कारण तो दूध ही हवन में जाएगा, दूसरा दूध नहीं आ सकता, सवेरे को दूसरा हो गया, वो सवेरे का दूसरे दही नहीं बनाया था ना आपने, फिर दूसरा हो गया, वो सवेरे का दूध आप अग्निहोत्र में प्रयोग कीजिए, प्रयाज में नहीं प्रयोग हो सकता, इंद्र दधी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, कर्मकांड में इतनी सतर्कता होना पड़ता है हर चीज के प्रति, तो उन अंगों को इति कर्तृत्व ना अन्वय कर दिया, ऐसे कहते हैं कि वो जो पुरुष व्यापार विशेष याग क्रिया संबंधी ये सारी चीजें जो होती हैं, इस पुरुष व्यापार विशेष का नाम आर्थी भाव, कोयम व्यापारो नाम यो अर्थभावना उच्चते, ये व्यापार क्या है जो आर्थिक भावना करके तुम कह रहे हो, कहते व्यापार पुरुष अनिष्ठ प्रयत्न विशेष ही है, जहां पुरुष नहीं हो कल्पना करना पड़ेगा प्रयत्न को, जिसे रथो गच्छति किसने कह दिया, वह सारथिना ये जोड़ना पड़ेगी, क्यों जड़ में प्रयत्न नहीं हो, चेतनवान ही प्रयत्न कर सकते, जैसे लोग क्या करते हैं चुपचाप बैठे तो कहते जड़ जैसे बैठा है, बोलते कि नहीं करते, व्यवहार में भी होता है ये जड़ जैसे बैठा हुआ कुछ करता है नहीं, प्रयत्न तो चेतन में ही है, धर्म चेतन में, वेदांत हिसाब से तो अध्यास में आ जाएगा, बात अलग चीज है, वेदांत मत लो या जड़ से, यहाँ के हिसाब से आत्मा का गुण है प्रयत्न नहीं है कौन के जैसी, चेतन धर्म है, इसलिए रथोगच्छति यदि कोई कहता है वहां में क्या करना पड़ता है, सारथिना अध्यार करना पड़ेगा, सारथिना रथोगच्छति, दो मत व्यापार सबसे प्रयत्न सबसे पहला पक्ष, तावत प्रयत्न मात्रम पहला पक्ष प्रभाकर मत, सच प्रयत्न आख्यात सामान्य न कथ्यते, उसी प्रकटक में देखिए थोड़ा आगे जाकर के जहां से भी पढ़ा मैंने, तावत प्रयत्न मात्र रथो गच्छति इत्यत्र अव्याप्त्या पते, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौवीं पंक्ति, सच प्रयत्न
आख्यात सामान्येर कथ्यते यजेत बचत गच्छति इत्यादि आख्यात श्रवणे प्रयत्न प्रतीते। सभी क्रियापद वाचक शब्दों से प्रयत्न ही वाक्य प्रतीत होता है। क्यों? सुना आपने, सुनने के चुप बैठेंगे क्या? करोगे ना। इसका मतलब धातु ने आपको करने के लिए प्रेरणा दी, मतलब धातु सीधा प्रयत्न क्यों ना माना जाए? यागाय प्रयत्न करो दी, यागं करो दी का मतलब यागाय प्रयत्न करो दी, गच्छति मैंने गमनानुकूलम प्रयत्न करो दी, पचते मैंने पाकानुकूलम प्रयत्न करो दी, सभी में ये प्रवाह कर्म। कोई भी चीज बोलो आप, शयनं करोति शयनानुकूलं प्रयत्नं करोति, शेते का अर्थ ऐसा कर देगा वो, शेते मने शयनानुकूलं प्रयत्नं करोति, गच्छति मने गमनानुकूलं प्रयत्नं करोति। लिंग विधिलिंग में वैसे बोलेगा ना, कुरियात छोड़े बस करोति नहीं बोले, कुरियात बोलेगा शहीत शयनानुकूल प्रयत्न कुरियात या कुर्वीत आत्म पद कुर्वीत, जो लिंग लकार जो होगा क्रीत क्रीधातु में आ जाएगा, बाकी वैसे रहेगा। समझ में ना, करो तो हम बोल रहे इसे गच्छे तम लट लकार लिया, इसे गमनानुकूलम करो दी कह दिया, जगा मने जगाम गमनानुकूलम प्रयत्न कृतवान, ले जाओ लट लकार भूतकाल वो धातु उसी हिसाब से प्रयोग चकार प्रयोग कर दो। इसलिए प्रयत्न अर्थ सभी धातु अर्थ में छिपा हुआ है, ये प्रभाव कर देते। अन्य तो आचार्य हो दूसरे प्रकटक में, लेकिन आचार्य जो कुमार भट्ट है उनका कहना ऐसा नहीं, नहीं नहीं भाई प्रयत्न नहीं लेना, हम तो व्यापार को पकड़ेंगे, व्यापार में व्यापार व्यापार करते प्रयत्न कर दो ये ठीक नहीं। अन्योत्पादनानुकूलात्मा स व्यापारो यो अर्थ भावनात्वेन उच्यते, अन्य कौन? स्वर्गादि उसके उत्पादन के अनुकूल स्वरूप वाला जो व्यापार है उस व्यापार का नाम आर्थिक भावना है। अथवा याग अन्य कौन है? याग, याग के स्वरूप अन्य से यह स्वर्ग लेना ही मुख्य आर्थिक भावना पूरा ले रहे हैं ना यहां, इसीलिए यस्मिन व्यापारे कृते कर्णस्य फलोत्पादन सामर्थ्य आ गया ना, जिस व्यापार के करने पर कर्ण, कर्ण कौन है? याग, उस याग के अंदर स्वरूप फल को उत्पादन करने की सामर्थ्य आ जाता है, तादृशो व्यापार आर्थी भावनावत, ये कुमार भट्ट का मत सहेव च व्यापार आख्यात सामान्य से अर्थ, इसी व्यापार को आख्यात सामान्य का अर्थ बताया गया, इस व्यापार विशेष का नाम यजे स्वर्गाम इत्याख्यात श्रवण ही इत्यादि इत्यादि आप देख लें, बाकी तो थोड़ा शास्त्रार्थ है। अब फिर लौटे अगला प्रश्न में, दूसरी पंक्ति तो बहुत पहले से कहा था मैंने एक न्याय, वो यहां आ रहा है, अनन्य लभ्यो शब्दार्थ न्यायात। कोई कहता है भाई आप आख्यातार्थ धातुर्थ को आख्यातार्थ क्यों नहीं लेते हो, ये जो आख्यातार्थ से सिर्फ धातुर्थ को क्यों नहीं ले लेते हो, याग को ही जोड़ दो आख्यातार्थ से, तब कहते विशेष नहीं हो सकता, अनन्य लभ्यो ही शब्द प्रयत्न भी नहीं हो सकता। क्यों? प्रयत्न शब्द अर्थ भी अनिलभ्य है, यदि प्रयत्न एक धातु है, यदि प्रयत्न एक धातु है उसे लभ्य हो गया ना, फिर उसको आख्यात अर्थ कैसे कर दोगे? जो अनन्य लभ्य है वो आख्यात अर्थ होगा, अनन्य लभ्य ने अन्य किसी प्रमाण से जो अर्थ लभ्य नहीं है, जैसे गो शब्द कहते ही बराबर आपके दिमाग में शासनादि मान एक पिंड विशेष जो प्रतीत होता है, वह पिंड विशेष की प्रतीति गोशब से नियमित रूप से होता है और उस अर्थ को किसी अन्य प्रमाण से बोधित नहीं किया गया है, अतएव गोशब्द को उसने अर्थ को रूढ़ कर दिया। गंगा शब्द से प्रभाव का नाम है रूढ़ है, नहीं वो तो पर्याय वाची हो गया, एकस्य अनेका संज्ञा भवितुम अर्हति यथा युष्माकं एव, आपका भी तो नाम कितने हो गए अभी तक, ऐसे होते रहते हैं।
पहले कुछ था ना, अब कुछ और हो गया है, साधु बन गया थे तो दो अलग हो गए क्या? वही है। तो उपाधि एक ही है ना, संज्ञा तो हम पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, शिव सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, एक नाम से विष्णु अलग अलग हो जाएगा क्या? हजार नाम से तत्व तो वही है, तत्व तो एक ही है, हजार बड़े नाम बोल लो उसका, गंगा बोलो, भागीरथी बोलो, विष्णुपदा नाम, कमंडलिनी, ब्रह्म कमंडलिनी है ना, इसका नाम भी है, कई नाम से है, तो उसके नाम से फर्क नहीं पड़ता, अर्थ प्रवाही रहे कोई भी नाम। अनिलभ्य शब्दार्थ यदि न्यायात तसे धातु लभ्यत्व ना आख्यातर्थत्व अयोगात, कह दिया ना, वह धातुलभ्य होने के नाते आख्यात अर्थ करने योग्य नहीं है। इसी प्रकार एवं एवं चैत्र प्रयतते, देखो प्रयोग है ना धातु, चैत्रम प्रयतते, अब यहां पर आख्यात अर्थ क्या लोगे कि धातु अर्थ खुद क्या हो गया, प्रयत्न, चैत्र प्रयतते, इसमें धातु अर्थ ही प्रयत्न है, अब आख्यात अर्थ भी प्रयत्न ही रहेगा क्या, दोनों समान अर्थ हो जाएगा, फिर पुनरावृत्ति दोष हो जाएगा, कहने क्या जरूरत है, चैत्रते बोल प्रयत्ते नहीं, चैत्रते प्रत्य मात्र बोल दो, वहां प्रयत्न आ गया ना, तब प्रयत्न के आख्यातांश में तो है प्रयत्न, तो कैसे होगा, ऐसे वाक्य प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, क्यों, आपका ही नियम है, न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्याहा, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते, अतएव आप प्रयत्न को तो आप आख्यातार्थ में नहीं ले सकते, फिर क्या अर्थ लो, कथित्यत्रापि चैत्रस्तुता व्याप्रियते यथा प्रयत्न भवति इति, अर्थात प्रयत्नानुकूल व्यापार एव आख्यातस्य अर्थो न तो प्रयत्न एव, इसे क्या अर्थ करना पड़ेगा, प्रयत्नानुकूल व्यापार ही आख्यातार्थ लेना, केवल प्रयत्न को नहीं लेना, प्रयत्न से धातुमात्र लभ्य, कौन सा व्यापार यदि आकांक्षा पश्चात ज्ञान इच्छाधिक अवगम्य, व्यापार क्या है वो ज्ञान से बोधित हो जाता, ज्ञान इच्छा आदिकम अवगम्य, इसलिए निष्कर्ष क्या निकला अंतिम पंक्ति उस प्रकट का, तस्मात अन्योत्पादनानुकूल व्यापार एव आख्यात सामान्य अर्थ इति सिद्धम, में निष्कर्ष निकल, और ये जो व्यापार है आख्यात अर्थ बोधित तो, उसे विलक्षणता कैसे आएगा, धातु अर्थ के द्वारा विषय विलक्षणता आ जाएगी, जब उस व्यापार सामान्य का विशेष स्वरूप जानना चाहेंगे धातु अर्थ को जोड़ दीजिए, कौन सा व्यापार विशेष हो रहा है मालूम हो जाएगा। ओ भी देखिए तीसरे प्रकटक में बीचों बीच में है, तीसरे प्रकटक का नीचे से एक दो तीन चार पांच छठा पंक्ति, तथा च विलक्षण आनुकूल्य विशिष्ट से व्यापार विशेष प्रतिधातुर्थ विलक्षण रूपत्व में मिला, तथा च विलक्षण आनुकूल्य विशिष्ट से व्यापार विशेष, वही ना शयनानुकूल गमनानुकूल बोल रहा था ना मैंने बार बार, तो विलक्षण आनुकूल विशिष्ट जो व्यापार विशेष है वो प्रतिधातुर्थ में विलक्षण रूप ही हो जाता है, अन्यथा फल विभाग अनुपत्ति से नहीं तो फल में विभाग ही नहीं रहेगा, गच्छति तिष्ठति में अंतर क्या रह जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा, इसीलिए विलक्षणता तो धातु से लाना ही पड़ेगा आपको, आख्यात से सामान्य व्यापार बोध हुआ और उस व्यापार की विलक्षणता जो सिद्ध होती है धातु से, तभी तो फल में भेद होगा, इसलिए व्याकरण में क्या बोला है, फल व्यापार धातु, फल और व्यापार दोनों धातु का अर्थ है, तो समानाधिकरण निश्चित अकर्म कहा, वेदिकरण चेत सकर्म, इतना ही आप अकर्मक सकर्म किसको कहते, इतना ही है, फल और व्यापार जो धातु अर्थ है यदि एक ही व्यक्ति में मिल रहा है, जैसे राम शेत है, इसमें क्या हो रहा है, शयन का फल क्या है, सुख प्राप्ति किसको मिला, राम को, और उसका जो शयन रूपा व्यापार किसमें हो रहा है, राम में हो रहा है, दोनों एक ही समानाधिकरण माना उसको अकर्मक धातु कहते हैं, और जब वेदिकरण हो जाए तो वो सकर्मक हो जाता है, देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त ग्रामम गच्छति, गमनानुकूल व्यापार कहां हो रहा है, देवदत्त में, फल कहां है, ग्राम में,
व्यापार का फल क्या? संयोग, अंतिम संयोग। वो संयोग कहाँ होगा? गांव में होगा, भिन्नाधिकरण में आ गया फल और व्यापार, उसको सकर्मक धातु कहते हैं। खैर तो व्याकरण की मामला लौटी यहां पर 41वां पृष्ठ दूसरी साध्यादी नाम भावनांशानां त्रयाणां मध्य तत्र तस्याच भावनायां आरती भावना में तस्य माने आरती भावना में स्वर्गादि फलम एव पुरुष विशेषणम अपि। यदि भी क्या था वो पुरुष का विशेषण था ना वाक्य में, दर्श पूर्णमासाभ्यां स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो जो शब्द किसका वाचक था? पुरुष का वाचक, यजमान का वाचक, स्वर्ग की कामना करने वाला है ना, तो पुरुष का विशेषण है वो। वही करे यद्यपि पुरुष विशेषण है फिर भी साध्यत्व अन्वेति, क्यों? पुरुषार्थत्व, क्यों पुरुषार्थ है स्वर्ग न तो धातुअर्थ, नहीं धातुअर्थ को अन्वय नहीं करूंगा। क्यों? अरे समान पदादुपत्तोपि अपुरुषार्थत्व तत्वेन अनन्वयम लभते, अनन्वयम एक नकार जोड़ो, अनन्वयम लभते। समान पद उपात होने पर भी एक पद में था ना यज धातु, यजेत एक पद में विद्यमान जो धातु होने से सन्निहित था, उसे छोड़ करके दूसरे पद में, दूसरा पद भी नहीं उपपद का विशेषण है पद में, उसको तुम जोड़ रहे हो, इतना प्रकृष्ट है। क्यों? क्यों? कारण यह है वो पुरुषार्थ था और समान पद वाले उपात था, नजदीक में था, फिर भी इसको हम नहीं जोड़े, क्यों? अपुरुषार्थत्व, अपुरुषार्थ होने से तत्वेन अन्वयम न अनन्वयम लभते, तत्व ने साध्यत्वेन, साध्यत्वेन अनन्वयम लभते, अन्वयम न लभते, साध्यत्व अन्वय नहीं कर सकते। इत्याह स्वर्गादि फल इत्यादि। अब उसी प्रकट के नीचे से एक दो तीन चार पांच छठा पंक्ति, कर्तव्य सामान्य से यागादि रूप से भेद का विशेष रूपत्व च, है ना, इसे और पीछे चले जाना थोड़ा, कथम भाव आकांक्षा पूर्वकत्वम इति कर्तात्वम, कथम भाव की आकांक्षा, दो पंक्ति ऊपर है ना, कथम भाव, कथम ऐसे जब आकांक्षा होगी उस आकांक्षा को पूरा कौन करेगा? इति कर्तव्य निरुक्त हुआ, इति कर्ता शब्दार्थ बोध है, पहले बोल चुके इति कर्ता शब्द का क्या बताया था, कर्तव्याया इति, कर्तव्यताया इति माने प्रकार, पहले अर्थ बता दें, और प्रकार क्या है? सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार लिखा है ना, सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार, पूर्व में आया है मूल में वर्टिका में, वो ध्यान रखना है। उक्ता निरुक्ता भवति च प्रयाजेषु लक्षण समवय यागेन स्वर्गं कुर्याद् इति ससना आपने, ततः कथम इति, कथम आवाकांक्षे, फिर याग में कैसे करूं, याग के द्वारा स्वर्ग को संपादन कर लेना चाहिए, तो याग में कैसे करूं, ऐसे आकांक्षा जब हुई तो प्रयाज आदि उपकारम संपाद्य, प्रयाज आदि अंगों के द्वारा उपकार का संपादन करके, उपकारक उपकारक है ये, उपकारी है उपकारक है ये, उपकार्य ये अंग ये अंगी, अंगांगी भाव शेष शेषी भाव, उपकार उपकारी उपकारक भाव, ये व्यवहार यह उपकारक है, इससे उपकार्य आग्नेय का उपकार हो जाता है, माने इसका वह अनुष्ठान करने से उसका स्वरूप सिद्ध हो गया, यही उपकार है। आपने अंगों को अनुष्ठान कर दिया इतने मार से उसके स्वरूप सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, यही उसको उपकार करना। जैसे तंडुल को भात बनना है ना, चावल है उसको पका करके भात बनाना है, आप क्या करोगे? आप भात बना दोगे क्या? भात नहीं बना सकते आप, उस तंडुलों को उन चावलों को भात बनने के लिए उपकार कर सकते, क्या उपकार करोगे? ठीक से लकड़ी लगाओगे, ठीक से जलाओगे, उसको पकड़ने नहीं दोगे, हिलाओगे, सब करते रहोगे कि नहीं? ये जो उपकार कर रहे हैं किसका? उन तंडुलों को उपकार कर रहे हैं, क्या बनने के लिए? भात बनने के लिए। उसी प्रकार ये प्रयाज आदि जो है ना आग्नेय आदि उनको उपकार कर रहे हैं, अपने स्वरूप संपादन के द्वारा इसके स्वरूप की सिद्धि होगी, इस ये भी फिर क्या करेंगे? ये उपकारी हो जाएंगे, किसका? ये उपकार होंगे किसका? उपकारी दर्श का, और वो उपकारक हो जाएगा
दशप्राण से पूर्ण स्वरूप का। इसलिए वास्तविक अंगी कौन है, यह है, वास्तविक शेषी यह है। इनके बीच में भी अंगांगी भाव हो गया किसके स्वरूप सिद्धि के लिए ना, बोले अमावस्या के दिन आपने सिद्ध किया, फिर 15 दिन बाद पूर्णमासी दिन जब सिद्ध करो तब यह संपन्न हुआ, तब तक तो ये जो समुदाय अपूर्व है खड़ा रहेगा, इंतजार करते रहेगा अगले समुदाय अपूर्व की, दोनों समुदाय अपूर्व मिल करके एक फलापूर्व बना देंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि तथा कथम यदि कथम आकांक्षा प्रयाज द्रुपकार संपाद्य कथम आकांक्षा पूर्णात् कर्तव्य सामान्य यागादि रूप से, क्योंकि कर्तव्य सामान्य कौन है, यागादि रूप, उसका भेदक विशेष कौन है, प्रयागादि। तच्च प्रकरण प्रमाण निरूपणावसरे प्रदर्शिष्यावः, इस बात को और विस्तार रूपेण जब प्रकरण नाम के प्रमाण है ना, श्रुति लिंग वाक प्रकरण चौथा प्रमाण लिखा था ना सूत्र को कल, श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्यान उत्तरोत्तरम दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा, यह जैमिनीय सूत्र है। उसे चौथा प्रमाण का नाम प्रकरण प्रमाण, उसमें ये अंगांगी भाव कैसे होते हैं विनियोग, उसके बारे में विचार प्रकट करेंगे। अब थोड़ा इस दर्शपुर मास के बारे में टीका में देख लीजिए, ननु यागेन स्वरं कुरिया इति तावत् फलवाग्यन तत्र च कथम निर्विनश्वरेण स्वर्ग कर्तव्य, चौथी पंक्ति है ना, तद कथम विनश्वरेण स्वर्ग कर्तव्य, कि याग तो ये नष्ट हो जाता है ना, स्वाहा स्वाहा कर दो भस्म हो गया खत्म हो गया, कहानी ठंडा भी हो गया, फिर राख को ले गंगा जी फेंक भी दिया, बचा क्या, याग तो पूरा नष्ट हो जाता है, उसे राख को भी बचा के रखने वाले प्रसाद गिरु बांटने के लिए बचा के रख लेते हैं, नहीं तो ले जाए गंगा जी में छोड़ देते हैं, कुआं में डाल देते हैं, याग कहाँ रह गया, क्या रह गया याग का, याग तो कुछ भी अवशेष नहीं, थोड़ा बचता है कुछ समय तक तो धुआं का जो कालापन बचता है वो भी पोताई कर देते तो भी गया, इसमें कुछ भी नहीं बचता है। विनश्वरेणा कथम स्वर्ग कर्तव्य, जैसे कालांतर भावित्व तो मरने के बाद मिलने वाला चीज है ना, इति आकांक्षायाम अपूर्वम निष्पाद्य, अपूर्व को पीछे पैदा करेगा भाई पुण्य, उसका अपूर्व कहो पुण्य कहो, पता है अलग अलग नाम है, अलग लोगों ने किसी पुद्गल नाम रख दिया, किसी कुछ नाम रखा है, श्लोक सुनाया था मैंने, सब दर्शनकार लोग इस बात को मानते हैं, कहां रहता है भी मानते हैं, पुण्य छिप करके नहीं मान सकते, उसका पुण्य का नाम रखा है अपूर्व, यह कपूयापूर्व भी हो सकता है, पापापूर्व पुण्यापूर्व, पुनः कथम अपूर्व निष्पादनीय इत्याकांक्षा, फिर अपूर्व कैसे निष्पादन करें, प्राच्योदिच्छांग विशिष्टस्य यागस अनुष्ठान प्रकारेण इत्युच्यते, पूर्व और उत्तर काल में, प्राच्य मने पूर्व उदिच्य मने उत्तर, पूर्वोत्तर काल में अंगों से विशिष्ट याग का अनुष्ठान करने के प्रकार से अपूर्व की सिद्धि हो जाएगी। तत्र येन स्वर्ग क्रियते तत् फलापूर्वम् इत्युच्यते, जिस अपूर्व के द्वारा स्वर्ग सिद्ध होता है उस अपूर्व का नाम क्या है, फलापूर्व, जो भी फल आपकी इच्छा है वह फल जिस अपूर्व से संपादन होगा उस अपूर्व का नाम फलापूर्व होगा। इसे पीछे लिखा है एक पंक्ति, तच्च पूर्वम दर्शपूर्णमास और अनेक विधम, वह अपूर्व क्या है दर्शपूर्णमास में, अनेक प्रकार का है, कौन से, फलापूर्वम समुदायापूर्वम उत्पत्त्यपूर्वम अंगापूर्वम चेति, ये प्रधान अपूर्व का नाम दूसरा इन्होंने रख दिया है उत्पत्त्यपूर्व, उत्पत्त्यपूर्व कहिए प्रधान अपूर्व कहिए एक ही बात है, कहीं पुस्तकों में प्रधानपूर्व नाम है कहीं पुस्तक में उत्पत्तिपूर्व नाम, इन्होंने टीकाकार ने उत्पत्तिपूर्व नाम लिया है, कोई आपत्ति नहीं। अब इनका लक्षण भी कर रहे हैं, फलापुर का नाम किसका नाम है, फलापूर्व, ये न स्वर्ग गृह दे तब फलापुर मित्युच्चते, जिससे स्वर्ग की सिद्धि होती है अंदर फल की सिद्धि जिस अपूर्व सिद्ध होता है उस अपूर्व का नाम फलापूर्व, फल जनकत्व तच्च समुदाय पूर्व निर्णय, और वह समुदाय पूर्व से सिद्ध होगा, समुदाय विधा समुदाय, यहाँ दशपूर्ण समय क्या है, दो समुदाय है, अमावास्यायाम एक पूर्णमास्यायाम दूसरा, अमावास्याम त्रयाणाम यागानाम एक समुदाय, पूर्णमास्याम च त्रयाणाम यागानाम अपूर समुदायश्च, ठीक है ना, दो समुदाय, एक तो अमावस्या में तीन यागों का समुदाय और पूर्णमास में तीन यागों का समुदाय,
ताभ्याम जन्यम यद पूर्वम, इन समुदायों से जन्य जो अपूर्व है तत् समुदाय अपूर्वम इत्युच्यते। समुदायोश्च भिन्न कालवर्तिनो हो, और समुदाय क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न काल में हो रहा है, 15 दिन का व्यवधान हो रहा है ना अमावस्या और पूर्णिमा का, पीछे कम से कम एक तिथि लोप भी हो जाता है तो 14 दिन का तो कम से कम मानना ही पड़ेगा नहीं व्यवधान। इसे कहते भिन्न काल यो हो कालवर्तिनो हो संहत्य फलापुर जन अयोगात, वो भी मिल करके फलापुर कैसे सीधा उत्पन्न कर देंगे समुदाय, इसलिए पीछे हमने समुदाय पूर्व माना, ये खुद ही सीधा फलापुर को पैदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो हुए हैं और इसके होने में 15 दिन का व्यवधान है, इसलिए ये सीधे फलापुर को पैदा नहीं कर पाएंगे, अतः हमने इन तीनों से क्या किया एक समुदाय पूर्व मान दिया। इसलिए ये भी अपने आप में क्या है एक के बाद एक होने वाला है, तीनों भिन्न भिन्न काल में होगा, एक कालावच्छेदन होगा क्या, यजमान तीनों की इकट्ठे कैसे कर देगा आहुति, पहले दही डाल के एक आहुति का ये क्या संपन्न कर देगा, दूसरा दूध से करेगा, तीसरा कपालों से करेगा, कपाल पूर्णाश 8 कपालों के ऊपर एक करपट्टी का रोटी जैसे पकाया जाता है पूर्णाश बोलते हैं उसको, जौ के आटा वगैरह लेके उसको मिला करके बनाते हैं और सलाखाओं के ऊपर कपालों को रखते, गीले कपाल, और कोई तावा नहीं होता पकाने के लिए, तावे से नहीं पकाना है रोटी को, वो क्या होता है उसमें भी बड़े एकाश कपाल, अष्टाष्ट कपाल, अट्ठाश कपाल, एक विंशति कपाल वगैरह है, मिट्टी के छोटे छोटे सकोरे होते हैं, सकोरे होते थे पहले जमाने, सकोरे देखा होगा छोटे छोटे, दर बड़ा नहीं छोटा साइज का होता है, उसको सलाह कहीं करनी पड़ती है और यहाँ कपालों को रखना पड़ेगा, उन कपालों के ऊपर एक रोटी बना के रखना पड़ता। अब रखने के बाद जब रखते हो पूरी ध्यान रखनी पड़ेगी, और रखने के बाद जब इसके टुकड़े हम काटेंगे तो बड़ा संभाल के, क्योंकि 8 कपाल 8 देवता का है, जिस कपाल के ऊपर जो रोटी का हिस्सा पड़ा है वो उसी देवता का है, काटते सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं का काट दो किसी देवता के नाम पे डाल दो, नाराज हो जाएगा भाई दूसरे का झूठा दे दिया तुमने, कहे तो ये हिस्सा मेरे नाम पे था और यहां का हिस्सा तुमने दे दो तो क्या होगा, वो दूसरे देवता का अपने दिया ना इस देवता को, स्वीकार नहीं है। से जिस देवता के नाम पे आप जो जो कपाल रखते जा रहे हैं, जिस क्रम से रखते जा रहे हैं, काटते तो उसी क्रम से काटना है, आहुति उसी क्रम से देना पड़ता है। कर्मकांड में ऐसा नहीं हो गया हम भूल गए महाराज, आप एडजस्ट कर लेना इधर को उधर कर लेना, थाली चेंज कर लो, नहीं चलेगा। नहीं बचा है, नहीं बचा है, जो सोचा बचा वो पाप में डूब गया, हाँ प्रमादी हो गया, वो नहीं बचा, नहीं कर्मणा अनारंभात पुरुषो निष्कर्म अश्नुते, हो नहीं सकता, उपलब्ध क्यों नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, प्रमाद है, उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध, करना चाहते हैं तो बहाने मारते हैं, चक्कर ये, बल्कि ये कहो अपने ही पूर्वजन का पाप है कि ऐसे घर में पैदा हो जाए कि जहां पर इन चीजों का वैल्यू नहीं है, पूर्व जन्म का पाप है, इसलिए ऐसे घर में पैदा हो, हमें तो 8 उम्र से लड़ते रहे माता पिता, ये करो वो करो ये करो करवाते रहे, और घर में दिन रात हमेशा हर महीना में एक ने हवन पुआ पूजा होते रहता, देखते रहते थे पंडित लोग आ रहे हैं कर रहे हैं, तीसरा मंजिल सारा सत्संग मिलता था, कोई ना कोई साधु आ रहे थे, भगवान ऐसी जगह हमको फेंक दिया ना तो वहां पैदा हो तो उसी के लायक है, क्या तो पूर्व जन्मों के अनेक जन्म संसिद्ध, भगवान ने ऐसे थोड़ी कहा, अनेक जन्म लगता है, योग भ्रष्ट कहां बेता है, योगी नाम कुले, ऐसे योगियों के कुल में पैदा होएगा योग भ्रष्ट होता है, तो भगवान भजामि बुद्धि योगम तम, गीता जी में नहीं कहा उसको, बुद्धि अपने आप बचपन से संस्कार से मिलते जाएगा, योग मिलेगा उसको, जिसे संस्कार ही नहीं वो योग कहाँ से मिलेगा, वो ऐसे कर्म ही नहीं गया पूर्व जन्मों में, वैसे योग भी नहीं मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं कह सकते, तभी तो इधर आ भी गए जिस किसी उम्र में आए तो हैं, अब जो भी है वही कर्म करो, स्वधर्म निधन श्रेया श्रेया स्वधर्म विगुण, भले स्वधर्म तुम ठीक नहीं कर पाओ कोई आपत्ति नहीं,
श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मो सुनिष्ठिता, परधर्मा सुनिष्ठिता। जितनी कर सकते हो अपना धर्म को समझो, अपना कर्तव्य को समझो, जितना कर सको उतना करो। इसलिए ये सब है ये नहीं है, आज भी है, है? और क्या, वही कह रहा सुनने आ गए हैं, साधु बनी गए हैं तो कुछ तो पुण्य है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे घर पैदा नहीं होते, जन्म से जहाँ आपको इसमें लगाया गया और जन्म संस्कार समय पे हुई, संध्या वंदन करने का मौका मिला, गायत्री जब खूब किए, वो सब हुआ नहीं बाबा, छोड़ो, अब तो मौका दिया है भगवान, इस मौका का लाभ उठाओ। नहीं, पिछले जन्म देरी से हुआ था, इसमें थोड़ा जल्दी कर दिया है, अगले बार और जल्दी हो जाए उस उपाय को करो। क्यों नहीं आएगा कश्चित, ये तो अर्जुन ने पूछा, चिन्ना भ्रमिव बिखरे बाद नष्ट हो जाएगा क्या? कहते नहीं नहीं नहीं, न तात गच्छति, जो भी पड़ा है सब रहेगा अंदर, जितने रटोगे सारा संस्कार रहेगा। इसलिए अगले जन्म में क्या होगा, सुनते ही बराबर फटाफट याद भी होते जाएगा, सबको समझ में भी आते जाएगा, बहुत जल्दी आगे पहुंच जाओगे। हम बताते हैं ना कि भाई अपने ही दृष्टांत को देखो, हमको ही लोग 20-20 साल पढ़े हुए लोगों को मैंने देखा और इस उपाधि ने केवल 6 साल में निपट दिया सारा काम, भगवान की कृपा है। नहीं, 6 साल में भगवान गुरुओं की कृपा से आरोपार हो गया और आज पूरी साधु समाज मानती है, ये तो है नहीं, पुण्य है, अनेक जन्मों का गुरुओं का कृपा है, ईश्वर की कृपा है, शास्त्रों की भी कृपा, कारण खुद की कृपा है। खुद सब चर्चा भी हो रही थी, भी कोई की भाई कमरे में कभी हमने सोचा नहीं कि हमने कभी बिस्किट भी रखा हो, पढ़ते वक्त जो आश्रम में मिला जैसा भी मिला, कब ये नहीं बोला कि ये इसमें ये गड़बड़ है, अब क्या करें, ये तो बेगन बेगन बनारस में तो मुसीबत थी, एक बार लगातार 3 महीना सबरे शाम बैगन की सब्जी और हम बैगन खाते नहीं, उसके बाद नंबर लगी कद्दू की सब्जी पीली वाली, वो भी हम खाते नहीं, 5 महीने तक सब्जी को खाया ही नहीं, दाल और रोटी से काम चलाया, लेकिन ये नहीं हम बाहर से कुछ लाए, समय का प्रॉब्लम, समस्या तो समय ही नहीं ऐसे काम करने के लिए, बाहर दुकान जाएंगे चॉकलेट कॉफी चॉकलेट या बिस्कुट खरीदे कहां है? सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि का 10 बजे तक एक क्षण फुर्सत नहीं था कि सब बात भी करो, पड़ोसी के कमरे में क्या हो रहा है, दूसरे साथ बैठने के लिए टाइम, दूसरे हमारे पास आते थे शास्त्र की चर्चा, ये पंक्ति का क्या मतलब है, समझा हुआ समझा, हमें कभी समय नहीं मिला कि मैं दूसरे के कमरे में जाकर बैठो, कभी नहीं, ये तो उसकी कृपा है ना। इस तरह से अपने आप को आप ढालिए, साहब पढ़ने आए हैं तो पढ़ने आए हैं। एक ही दृष्टांत में देता था, हमारे पिताजी मिलिट्री वाले थे ना, वो थोड़े तो इसलिए वो एक सम को दृष्टांत देते थे, लक्ष्य का से पीछे नहीं हटना किंचित हो उसके लिए, वो कहते मान लो एक सैनिक को हमने भेजा मोर्चे पे लड़ो, और रास्ते में जाते जाते उसके गाँव में एक सुंदर लड़की दिखाई दी और वो वहीं रुक जाए, हम उसको क्या कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे? जब देश के लिए तुम्हारी सेवा की जरूरत थी, जिस लक्ष्य में तुमको भेजा गया, वो लक्ष्य को छोड़कर तुम दूसरे काम में लग गया, देशद्रोही नहीं है? वैसे कहते बेटा तुमको मैं जिस काम के लिए भेजा है वो काम तुम नहीं करेगे तो मैं क्या समझूंगा, तुम पितृद्रोही हो, तुम दूसरे काम में कैसे लग गया? जब मैं यहां पढ़ने आया हूं मैं दूसरे काम कर दू तो क्या है, मैं शास्त्र द्रोही नहीं हूं, तो शास्त्र मेरे पर कृपा कैसे करेगी? तो 24 घंटा हम अपने साथ हम अन्याय करते हैं, इसे भगवान ने कहा आत्मैव रिपुः, हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं, संसार खुद ही शत्रु हैं, खुद ही मित्र हैं। इस बात को समझेगा